हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सी कैटेगरी को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि कल नॉर्सेट 2022 का एग्जाम है, तो सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। ठीक है, अच्छे से रिलैक्स रहना है आज, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, जितना आपने पढ़ लिया उतना सफिशियंट है। ठीक है, और सब कुछ पॉजिटिव सोचना है कि जो हमने पढ़ा है वो उतना अच्छा पढ़ा है, उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, कोई अगर डाउट है जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें कन्फ्यूजन वाली है उनको एक बार देख लेना, बाकी एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने जितना पढ़ लिया वो मैटर नहीं करता। अब लास्ट में क्या मैटर करता है कि जो वहाँ पे 3 घंटे में आप जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उस 3 घंटे में आप कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, उसमें ही होता है कि कोई बच्चा अगर एवरेज भी, अगर उसने क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट करे हैं, ठीक है, मैथड अच्छे से अपनाया वहाँ पे पेपर करने का, तो उसकी अच्छी रैंक सिक्योर हो जाती है। वहीं उसके कंपैरेटिवली अगर कोई दूसरा बच्चा है जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अच्छे से थ्योरी वगैरह सही पढ़ी है, बट क्या होता है कि वहाँ पे जाके अगर क्वेश्चन ढंग से अटेम्प्ट नहीं करे, पेपर ढंग से, मेथड उसको नहीं पता, तो क्या होता है, क्वालिफाई हो जाता है बट एक रैंक सिक्योर नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी को कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। तो सबसे पहले है जनरल और ईडब्ल्यूएस। ठीक है, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो है 50%। ठीक है, तो 200 में से आपको 100 तो मार्क्स चाहिए क्वालिफाई होने के लिए। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, 45% ऑफ 200। ठीक है, वो कितना होता है, 90 मार्क्स। तो अगर आपके 90 मार्क्स जब आते हैं तब आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इसी तरह से जो SC ST कैटेगरी है उनके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 40%। ठीक है, तो जब आप 200 में से 80 मार्क्स लेके आओगे तो वो क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, बट ये जो क्वालिफाइंग मार्क्स है इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वालिफाइंग ऐसे होते हैं कि अगर जैसे सीट्स है 3000 तो क्वालिफाइंग नंबर होते हैं 8-9000। ठीक है, 8-9000 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर क्वालिफाई करा है बट सीट कितनी है, 3000। ठीक है, तो सिर्फ सिलेक्शन किन बच्चों का होगा, जो फर्स्ट रैंक से स्टार्टिंग के 3000 या 3500 तक होंगे। बीच में बच्चे निकल भी जाते हैं, एडमिशन वगैरह नहीं लेते, तो जो फर्स्ट बच्चे हैं उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो हमें क्वालिफाई नहीं करना पेपर, हमें रैंक सिक्योर करनी है। अगर आपकी एक अच्छी रैंक होगी तो आप जिसमें भी, जिस भी एम्स में, जिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चाहते हो उसमें आपका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको क्वेश्चन कितने करने हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जनरल को मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, जनरल या ईडब्ल्यूएस को। ठीक है, मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको 100। जो 100 मार्क्स है वो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए रैंक इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो वो किससे होगी, 100 से थोड़ा ऊपर नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो एटलीस्ट आपको 120 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में ये है कि अगर आपकी रैंक ज़्यादा भी आती है तब भी थ्रू कोटा एडमिशन हो जाता है, बट अगर आप जनरल है तो एटलीस्ट 120 तक आपको पहुँचना है। ठीक है, अब 120 क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्वेश्चन कितने करके आए भैया आपकी, कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, तो आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर करोगे तो ये नहीं है कि अगर मेरे को 120 मार्क्स चाहिए तो मैं 120 मार्क्स का ही पेपर करके आऊंगा। अगर आप 120 नंबर चाहते हो और 120 नंबर का ही करके आते हो तो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे 10-15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही होते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, बुक्स में अलग दिया होता है आंसर, आपको जो थ्योरी पढ़ाते हैं वो अलग पढ़ाई जाती है। ठीक है, फिर जो एम्स होता है वो अपनी अलग आंसर की कंसीडर करता है, तो 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाते हैं कि अगर आपने सोचा है कि ये मेरे 110% सही है बट वो फिर भी कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं। ठीक है, वो आप किसी की पॉलिसी को कुछ मना नहीं कर सकते, जो आंसर एम्स को मानना है वो वही मानेगा। ठीक है, कभी कोई सा आंसर मानता है, कभी किस कोई सा आंसर मानता है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपको ये मान के चलना है कि जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 10 मार्क्स गलत होने ही होने। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अगर उसमें से आपके गलत हो जाते हैं फिर आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो इसके लिए आप फॉर एग्जाम्पल लो कि अगर आपने 120-130 करे क्वेश्चन, ठीक है, जनरल हो आपने 130 क्वेश्चन तक करे, तो 130 क्वेश्चन में अगर आपके 20 गलत हो गए या 30 गलत हो गए, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, 1/3। अगर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और आपने 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं और आपके 30 गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि जब भी हम पेपर जब खुद एनालाइज करते हैं फिर हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा
कोई हम ध्यान नहीं देते उस टाइम पे जो बैठते हैं, ठीक है, एनजाइटी होती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो उसके लिए जब आप एनालाइज करोगे तो आपने देखा कि आपके 30 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है, तो 30 क्वेश्चन गलत का मतलब 10 मार्क्स आपके कम हो गए, ठीक है, 130 अपने अटेम्प्ट करे जिसमें से 30 गलत हो गए तो करेक्ट आपके कितने हैं, 100, ठीक है, बट नेगेटिव मार्किंग होगी। तो अगर 30 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 10 मार्क्स कटते हैं, तो अगर 130 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे 30 गलत हो गए तो आपका जो स्कोरिंग होगा वो होगा 90 मार्क्स, ठीक है, और 90 मार्क्स में कहीं पे भी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, 90 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स ही नहीं है। तो आप ये सोचोगे यार मैंने तो 130 अटेम्प्ट करे थे, अच्छा पेपर था, बट फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चन गलत होने से आप सीधा कहाँ पे आ गए, 90 मार्क्स पे, और 90 मार्क्स तो क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। तो इसके लिए आपको अप्रॉक्स अंदाजा लगाना है कि कितने करने। तो आप अगर 160 एग्जाम फॉर एग्जाम्पल अगर आप 160 क्वेश्चन करते इसके बजाय, ठीक है, जब आपको पहले ही पता है कि अगर मैं 130 करके आ रहा हूँ या आ रही हूँ और मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो आप बेटर है कि इससे थोड़ा और स्कोरिंग करो, और रिस्क लेना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ा सा भी आपको नहीं है उसमें आ रहा है या बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल भी उस क्वेश्चन का कोई आइडिया नहीं, तब आप छोड़ सकते हो। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो एलिमिनेशन मेथड 50-50 करके आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। आप इसी क्वेश्चन का सेम एग्जांपल होगा, अगर इसी पर्सन ने अगर 160 क्वेश्चन करे होते हैं, ठीक है, अगर 160 क्वेश्चन करके आते आप और आपके 30 क्वेश्चन गलत हो जाते, ठीक है, 30 क्वेश्चन गलत मतलब आपके 10 मार्क्स कटेंगे नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, 160 में से 30 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो आपके करेक्ट कितने हैं, 130, ठीक है, 130 में से भी जो नेगेटिव मार्किंग है 10 मार्क्स से आप उसको कट कर दोगे तो कितना स्कोरिंग बैठा आपका, 120, ठीक है। तो 120 में 110% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि अब आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। दिस इज फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस में है कि अगर आपकी इतने ही आपको सिक्योर करने हैं, ठीक है, 110 तक आप सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, 110 तक करोगे तो आपका 110% सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी के अब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 90, ठीक है। तो अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, 90 इज अ क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, अगर आपको रैंक चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए यू हैव टू इंक्रीज 20 मार्क्स मोर, ठीक है। तो 90 से अगर आप 20 और ऐड करोगे तो कितने, 110 तक क्वेश्चन आपको ठीक करने, ठीक है। मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया बता दिया, उसके अकॉर्डिंग अब आपको देखना है आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर आपको 10 मार्क्स कम चाहिए तो आप एटलीस्ट 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम 150 करके ही आने। अगर आप कम करते हो क्वेश्चन तो ऑलरेडी नेगेटिव में जाके मैंने आपको बता दिया कैसे कम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता वो। नेक्स्ट ऐसी एससी एसटी कैटेगरी है, ठीक है, आपको मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए, 80, तो 80 से आप 20 मार्क्स और बढ़ाओ तो एटलीस्ट 100 मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। अगर आपके 100 मार्क्स आएंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, और बाकी डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का आ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं अगर मैंने 150 बोल दिया, 160 बोल दिया तो आपने 150 160 कर दिए, कभी कभी पेपर के ऊपर भी होता है। मैंने आपको नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया, अगर आप कितने सॉल्व करते हो, कितने आपके गलत होते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया है, ठीक है। अगर पेपर का लेवल बहुत डिफिकल्ट है तो आपको उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पेपर का लेवल डिफिकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगी, तो आपके कम मार्क्स में भी क्या है, रैंकिंग आ सकती है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पेपर लेवल आपको देखना है कि पेपर कैसे आ रहे हैं, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कमेंट में ये भी पूछा गया था कि मैम वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे क्या लेके जाना है। तो एग्जाम सेंटर पे आपको सिर्फ एक एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, चाहे कलर्ड हो चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई इशू नहीं है, आपको एक फोटोकॉपी चाहिए और एक आपका वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं या लाइसेंस हो गया, ठीक है, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बट इसमें सबसे बेटर है कि आप आधार कार्ड लेके जाइए, ठीक है, और जो आपको कोई रफ शीट, कोई पेन कुछ नहीं लेके जाना, सब वहां से प्रोवाइड होगा, ठीक है। और एग्जाम सेंटर में जाने से पहले बायोमेट्रिक जरूर करवा लेना, ठीक है, अपनी फोटो मैच कर लेना, जो आपका कंप्यूटर है उस पर आप ही की फोटो लगी हुई हो, ठीक है, कंप्यूटर सही से चल रहा हो, और आपको बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं लेनी, ठीक है, आराम से विदाउट स्ट्रेस फ्री होके पेपर करना है। आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, ठीक है, एग्जाम में जब बैठे हो तो एकदम डीप ब्रीदिंग करनी है 5 to 10 minutes, ठीक है, पूरा रिलैक्स रहना है और हड़बड़ाहट में नहीं करना, ठीक है। आराम से क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, मिनिमम आपको 2 बार पढ़ना है, ठीक है, नेगेटिव को कम करने का कंट्रोल भी करना है, ठीक है। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना कि नेगेटिव आपको कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, आपको नेगेटिव कम करने की कोशिश करनी है। और एवरीवन बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, आई होप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा
और मुझे एग्जाम होने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि आप सबका एग्जाम कैसा गया। थैंक यू।